दोस्तों 2014 में जब एनडीए सरकार पावर में आई, उन्होंने हर ग्रामवासी को एक वादा किया था कि हम हर गांव को स्मार्ट गांव बनाएंगे। वादा तो कर लिया, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक 4 साल गुजर चुके हैं, 4 से ज़्यादा गुजर चुके हैं, अभी तक शायद 10% भी उस पर काम नहीं हो पाया है। एनीवे, सरकारों का मैनिफेस्टो था, हमने सुना, हमने देखा। अब स्मार्ट विलेज में क्या क्या चीज़ें होती है, मैं आपको इसके ऊपर शिक्षित करूंगा। हमारे ग्रामवासी भोले भाले, उनको पता ही नहीं है स्मार्ट विलेज एक टर्म क्या है। गांव स्मार्ट कैसे बन जाएगा? इंसान स्मार्ट बन सकता है वो सोचते हैं, लेकिन गांव स्मार्ट कैसे बन जाएगा? गांव को हम स्मार्ट बनाएंगे, वो दिन दूर नहीं है जो हर गांव स्मार्ट होगा। अब स्मार्ट गांव में क्या क्या विशेषताएं होंगी, क्या क्या खूबियां होंगी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और जो आज नहीं है, अगर नहीं है तो उसका जिम्मेवार कौन है? ये हमें जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी आगे बढ़ने से पहले। स्मार्ट विलेज में सबसे पहले गांव का वेब पोर्टल होगा, जिसमें SMS की सुविधा होगी, जो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। 2 अक्टूबर से पहले हमारा वेब पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, ग्रामीण उत्थान बदलेंगे कोसली के नाम से। उसमें हर गांव के बारे में इंफॉर्मेशन, आपके गांव की हर प्रॉब्लम उस पे आप डाल सकोगे। आप मोबाइल फोन पे, स्मार्टफोन, एक बच्चे से अपने गांव की हालत देख सकोगे। कोई भी समस्या डाल पाओगे, जैसे बिजली की हो, पानी की हो, हेल्थ की हो, और कोई समस्या गांव की हो, कोई दुख हो गया, कोई सुखी का माहौल है, कोई त्यौहार है, कोई मेला है, कोई गेट टुगेदर है, कोई मीटिंग्स है, उसके बारे में। आंगनबाड़ी केंद्र, यस, कुछ गाँव में, शायद मेरे ख्याल से हर छोटे बड़े गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र सरकार ने खोल रखे, लेकिन उनमें आज तक बिजली कनेक्शन नहीं है। हम कैसे स्मार्ट विलेज बनाएंगे उसको? मेरी सरकार से ख्वाहिश है, निवेदन है कि जल्द से जल्द सोलर पैनल्स उनमें लगाए। मैं पिछले कई महीने से इस पे जोर डालता आया हूँ। उचित बिजली बुनियादी ढांचा तैयार करना गाँव के लिए, ताकि गाँव में हम 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन बिजली दे सके, जो आज नहीं है। कुछ ही चंद एक गाँव है, 1 या 2% गांव है जहां पर 24 घंटे बिजली है। स्मार्ट स्कूल, इसमें आधुनिक उपकरण द्वारा ई लर्निंग हो। एडुसेट का प्रोग्राम लेकर हरियाणा सरकार आई थी आज से कोई 8-9 साल पहले, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए, टाइम निकल गया उनका, वो इनफेक्टिव हो गया वो पूरा इक्विपमेंट। पता नहीं अब सरकार कब उनको रिप्लेस करेगी। सुनते आ रहे हैं कि हर स्कूल में स्मार्ट रूम होगा, लेट अस सी कब करते हो। पक्की सड़कें और गलियां, यस, कुछ हद तक गाँव में मेरे ख्याल से 80% सड़कें और गलियां पक्की हैं। सड़कें तो नहीं कह सकता, गलियां जरूर पक्की हैं। सड़कें अब भी गांव से गांव को जोड़ने वाली अगर 4 रास्ते हैं, 2 रास्ते ही पक्के हैं, बाकी अब भी कच्चे हैं। शुद्ध पानी की सप्लाई जहाँ बहुत कम गाँवों में नहीं है, उसके लिए सरकार से गुहार लगाते रहते हैं। वाटर टैंकर से पानी आता है, कहाँ पूरा पड़ेगा? पशुओं के लिए पानी नहीं है, जोड़ सूखे हुए हैं, बार बार कहा जाता है नहरों से कनेक्ट करो उनको, नहीं कर रही सरकार, और नहीं, उसके लिए सेपरेट नाली हम नहीं बना सकते। वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के बाद में ही हम स्मार्ट गाँव बना पाएंगे। मेरे ख्याल से खासकर रेवाड़ी ज़िले में एक भी गाँव ऐसा नहीं है जिसके अंदर वाईफाई सिस्टम हो। सरकार लेके जरूर आएगी, समय लगेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि स्मार्ट विलेज तब बनेगा हर गांव में वाईफाई होगा। मैंने अपने गांव में जाटूसाना की ढाणी में CCTV कैमरा लगवाए हैं, एक पक्षी भी पंख नहीं मार सकता उस गांव के अंदर, चोर की हिम्मत नहीं है। ये जो दरिंदे, जैसे वहाँ कांड हुआ, हमारे यहाँ भी युवा है, किसी युवा की हिम्मत नहीं है कि घर में वो लेट आए या रात को लेट वो घर से निकले बाहर मटर मस्ती करने के लिए। बैन लग गया उनके ऊपर, उनके सबके एक्टिविटीज के ऊपर। बैंक की शाखा हर गांव में होना बहुत जरूरी है, ATM होना बहुत जरूरी है, जो अभी तक मेरे ख्याल से 5% गाँवों में है। जो बड़े गाँव जिनके पॉपुलेशन 5,000 से बड़ी है, वहीं पे आज तक बैंक की सुविधा है, बाकी सबको एक दूसरे से जाना पड़ता है। कचरे के लिए डंपिंग जमीन और संयंत्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत पैसा लगेगा सरकार का, एक भी गांव में अभी तक हम ये नहीं कर पाए हैं। निकासी
गंदी नालियों के पानी की निकासी या तो जोहड़ में होती है या ऐसे ही निकल जाती है। उस पे भी सरकार के पीछे पड़ना पड़ेगा। हर जनता के प्रतिनिधि गाँव में आए, इन पॉइंटों का हम उठाएंगे। वर्षा का जल संचलन, जल संचलन का मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, हम बरसात के पानी को बचा के रखें ताकि जो वाटर लेवल नीचे चला गया उसको हम मेंटेन कर सकें। बुनियादी वस्तुओं का ग्रामीण बाजार बहुत से गांव में है, बहुत से गांव में नहीं, पर अगल बगल के गांव से लोग काम चला रहे हैं। उचित आम बैठक स्थान मेरे ख्याल से 5% गांव में भी नहीं है। उसके ऊपर भी अगर है, उसका रख रखाव नहीं है, उसका मेंटेनेंस नहीं है, उसमें फर्नीचर नहीं है, उसमें बिजली नहीं है, गर्मी जहाँ 44 डिग्री का टेम्परेचर हो, कैसे ग्रामीण वहाँ जा करके बैठेंगे, क्या करेंगे वहाँ बैठ करके। खेल का मैदान किसी भी गांव में नहीं है। मैं जगह जगह जाता हूँ, हर ब्लॉक में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम होने का दावा करती है हमारी हरियाणा सरकार। हमारे 3 ब्लॉक हैं कोसली हल्के में, तीनों को जानता हूँ मैं। केवल एक कमाली में है, वो भी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ जर्जर हालत में है, बगैर प्लास्टर के बिल्डिंग पड़ी हुई। बाकी किसी भी ना नाहड़ ब्लॉक में ना जरछड़ा ब्लॉक में कोई स्टेडियम है। हर गांव में स्कूल है, स्कूलों में ग्राउंड है, लेकिन उन ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बिकॉज स्कूल के पास रख रखाव के लिए पैसा नहीं, उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि हर गांव में सरकारी स्कूल के मैदान तैयार करें, स्कूल उनको सरकार पैसा दे, ताकि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो चाहे सरकारी में, बच्चे शाम के टाइम वहाँ पर खेल सके, अपने शारीरिक विकास कर सके, बच्चे खेल स्प्रिट डेवलप कर सके। लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों के अंदर तो जगह नहीं है ग्राउंड बनाने के लिए, सरकारी स्कूलों में जगह है तो उनके अंदर घास खड़ी है, जंगल खड़ा हुआ है। उसके लिए शायद सरकार जागेगी जरूर। मैं मांग करता आया हूँ, कई बार मांग कर चुका हूँ, आम शादी हॉल, मैरिज हॉल एक भी नहीं है किसी भी गांव में नहीं है। कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट बना रखे, लोगों को मोटी मोटी फीस देनी पड़ती है वहाँ शादी समारोह में जाने के लिए, शादी करने के लिए। गाँव में थिएटर होना बहुत जरूरी है, जिसको होम थिएटर बोलते हैं, जिसमें बड़े बड़े प्रोग्राम लेकर सरकार आए, वहाँ गांव वालों को शिक्षित करे उनके ऊपर। स्मार्ट विलेज का कंसेप्ट ही अगर गांव में थिएटर होता, मैं आज हर गांव में जा कर थिएटर लोगों को बिठा के शिक्षित करता हूँ। सहकारी डेयरी, कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग गुजरात को छोड़ के कहीं पे भी नहीं है, पता नहीं हमारे स्टेट में कब हो पाएगी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस पर जरा ध्यान दें। स्मार्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे यहाँ पे CHC PHC है, उनमें डॉक्टर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग जर्जर हालत में है, छतें गिर रही हैं, बिजली नहीं है प्रॉपर, पंखे नहीं है। ICU के लिए अगर कोई बेड ऑपरेशन थिएटर है तो उसके अंदर AC नहीं लगा रखे, कैसे ऑपरेशन करेंगे डॉक्टर्स। आप ताजुब करोगे, मोर्चरी, कोसली, गुरावड़ा, इतने बड़े बड़े जगह हैं जिस पर 25-25, 30-30 गाँव नहीं मारे, लेकिन मोर्चरी केवल एक रेवाड़ी में है। पोस्टमार्टम के लिए हर आदमी को रेवाड़ी जाना पड़ता है। क्यों नहीं PHC CHC में हम सुविधा देते हैं। स्मार्ट पशु चिकित्सा अस्पताल नाम मात्र के हैं, एक ब्लॉक में 2 या 3 हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स गांव में जाके किसानों को खूब लूटते हैं, 5 रुपये के इंजेक्शन लगा करके 500 रुपये वो ले लेते हैं। गाँव के स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पैनल्स गाँव के लिए वैकल्पिक एनर्जी उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है, जो हम अब नहीं करवा पा रहे। मेरी गुजारिश है कि स्मार्ट विलेज कंसेप्ट को सरकार धरातल पर लेकर के आए। मैं गांव गाँव जाकर लोगों को शिक्षित करूंगा। अगले सोमवार से मैं गांव में निकल रहा हूं, गांवों को यह हथियार दे के आऊँगा। जनप्रतिनिधि गांव में आने से पहले डरेंगे, तैयारी करके आएंगे। जो सरकार में जिनका खासकर हिस्सा है, मैं चाहूँगा वो सरकार से गुहार लगाएं और मिनिमम जो सुविधाएं गांव को दे सकते हैं उसके लिए कोशिश करें उनको दिलवाने के लिए, ताकि हम प्राउड से कह सकें कि अहिरवाड रेवाड़ी जिला हर गांव स्मार्ट विलेज है। इन्हीं बातों के साथ में मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत जल्द हम स्मार्ट विलेज के मजे लेंगे, इंजॉय करेंगे उन सब सुविधाओं का जो आज नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।